हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गला थोड़ा सा खराब हो रखा है, जुकाम, ठंड हो चुकी है। कनाडा में मार्च है, पता नहीं अब पूरा विंटर पूरा टाइम ठंड नहीं पड़ी, अब मार्च के टाइम पे यहाँ ठंड होने लग गई है। बट ठीक है, थोड़े दिन में चली जाएगी अप्रैल तक। आज मैं फिर से बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आपके साथ हाजिर हूँ। आज का टॉपिक होने वाला है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के बारे में, जहाँ से मैंने अपनी पीआर ली थी। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में जिसमें आपको आइल्स की भी CLB ओनली 4 चाहिए। मैंने खुद उसी प्रोग्राम में अपनी पीआर ली है, तो आपके लिए वो बहुत ही अच्छा मौका है, चाहे आप कनाडा में रहते हो चाहे आप नहीं रहते। ठीक है, तो आज एक तो बात करेंगे जिसमें CLB 4 चाहिए, और एक है ऐसा भी प्रोग्राम है जिसमें आपका नॉक कोड चाहे कोई भी हो, मतलब कि चाहे आपने किसी भी फील्ड में जॉब क्यों ना करी हो, तब भी आप इस प्रोग्राम में एलिजिबल है। जरूरी नहीं है कि आपको सुपरवाइजर या मैनेजर लेवल की ही जॉब चाहिए। आपने अगर कोई भी जॉब करी है, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में जॉब होनी चाहिए, वो अगर किसी और प्रोविंस में भी करी है वो भी इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ वो कौन से ऐसे प्रोग्राम है जिसके अंडर आप इतने इजीली प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में पीआर ले सकते हो। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर किया कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आप हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स कोई भी मिस ना करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। तो सबसे पहला प्रोग्राम जो है जिसका नाम है PEI PNP एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम। जी हाँ, ये PNP प्रोग्राम ही है, बट इसको PEI PNP एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आपको पीआर मिलती है। इसमें चाहे आपको कोई भी PNP प्रोग्राम जो होता है उसमें आपको एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू ही पीआर मिलती है, इसलिए उसको PNP एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम्स ही बोला जाता है। इसका नाम प्रिंस एडवर्ड आइलैंड प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम इसलिए है क्योंकि इसमें एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू ही आपको पीआर मिलेगी, बट आपके पास पीएनपी होना बहुत जरूरी है। तो अब बात करते हैं, ये तो पता चल गया कि ये प्रोग्राम क्या है, अब बात करते हैं इसमें आप कैसे एलिजिबल होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या नहीं। ठीक है, तो नंबर 1 जो सबको पता है एक्सपीरियंस है, तो इसमें सेम जो एक्सप्रेस एंट्री की होती हैं रिक्वायरमेंट्स, वही इसकी भी रिक्वायरमेंट्स है। फेडरल स्किल्ड वर्कर, फेडरल ट्रेड और एक कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, जिसमें मैंने लगाई थी वो कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास था। ठीक है, तो कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में क्या होता है कि कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में आपके पास इन कनाडा में 1 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, तब आप किसी PNP या एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल होते हैं। नंबर 2, PNP अप्लाई करने के लिए आपकी जो एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल है वो क्रिएट हुई होनी चाहिए इन canada.ca की वेबसाइट पे। एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनी हुई होनी चाहिए, एक्सप्रेस प्रोफाइल एंट्री का एप्लीकेशन नंबर आपके पास होना चाहिए बिफोर यू अप्लाई फॉर योर PNP। ठीक है, अब ये पता चल गया। अब बात करते हैं कि हमारी जो ये पर्टिकुलरली जिस PEI PNP के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक्सप्रेस एंट्री के लिए इसमें आपके पास ओनली नॉक लेवल वाली ही जॉब्स होनी चाहिए, जो कि NOC BOA में आती है, जो कि सुपरवाइजर या मैनेजर या एक्सपीरियंस वाली पोजीशंस में आती हैं। ठीक है, जिस जो कि Tier 1, 2, 3 हो चुका है, ठीक है, उसमें ही आपके पास जॉब होनी चाहिए, ओनली तभी आप जो है PNP एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, जब आपके लेट से अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास जॉब तो है, मतलब आप PEI जाना चाहते हो, लेट से अभी राइट नाउ आप ऑन्टेरियो में हो, आपके पास किसी लेवल का एक्सपीरियंस है, किसी सुपरवाइजर लेवल का एक्सपीरियंस है या किसी मैनेजर लेवल का एक्सपीरियंस है, तो आपको इतना मुश्किल नहीं होगा, आप जो है वहां जाके PEI जाके सिंपली जॉब्स अप्लाई कर सकते हो।
उसी पोजीशन के अंडर जो आपके पास ओंटारियो में एक्सपीरियंस था, आपको डेफिनेटली जॉब मिल जाएगी वहाँ पे। बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप जॉब ले सकते हो। अब तो वहाँ की पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, मेरे कुछ दोस्त अभी भी वहाँ पे रहते हैं, तो मैंने उनसे पूछा था कि अब क्या हालात है वहाँ पे, तो वो बता रहे थे कि पहले जब हम आए थे, मतलब कि मैं और मेरे दोस्त वहाँ पे गए थे, तब तो वहाँ पे कोई कोई ही इंडियन देखने को मिलता था, और कुछ भी नहीं था, पॉपुलेशन बहुत कम थी, ठंड बहुत ज़्यादा होती थी। मैं अपनी कुछ पुरानी वहाँ की पिक्चर्स लगाऊंगी यहाँ पे, आप देख सकते हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती थी। वहाँ पे हफ्ते हफ्ते के लिए लाइट भी चली जाती थी, मतलब कि इतना ज़्यादा बुरी हालत होती थी। कभी कभार तो घरों में हीट तक नहीं होती थी, और हम जो मोटी जैकेट बाहर पहन के जाते हैं वो हम पहन के सोते थे घर के अंदर, तो इतनी ज्यादा वहां पे ठंड का बुरा हाल होता था। अब तो हालात बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं, अब ठंड तो नो डाउट अभी भी उतनी ही पड़ती है, बट वहां पे बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ चुकी है अभी। तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से आपको पता है कि बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। कामकाज बढ़ चुका है वहां पे, और रेंट भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो जो वहाँ पे जाना चाहते हैं उनके लिए ये चीज़ दिमाग में रखनी बहुत ज़रूरी है। और ट्रांसपोर्टेशन का इतना ज़्यादा वहाँ पे है नहीं बसेस वगैरह का, इसलिए मोस्टली गाड़ी ही लेनी पड़ती थी। जो लोग इधर उधर दूर रहते थे, तो गाड़ी के बिना वहाँ पे जाना आना पॉसिबल नहीं है। अभी भी वही हालात है, बस कभी कभार एक बार आती है, दिन में दो बार आती है, ऐसे होता था। उसकी भी टाइमिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, कभी कभार तो आपको टाइमिंग पता करने में भी इतना टाइम लग जाता था। तो ये होगी वहां की बातें, अब बात करते हैं, अब आपके पास एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, अब आपने एक्सप्रेस एंट्री कैसे अप्लाई करनी है। अब आपको चाहिए CLB 4, ठीक है, CLB 4 चाहिए ओनली आपको। और उसके बाद लेट से आपने एक साल वहां पे काम कर लिया, अब आपको अपनी सिर्फ और सिर्फ जॉब लेटर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए एम्प्लॉयर से। आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है PNP के लिए, जो आपका PEI का पोर्टफोलियो होगा वहाँ पे, उस पे आपने अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की एक प्रोफाइल बनानी है। उसमें अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल देना है कि आप PI में क्यों रहना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें आपने बतानी है। आपने उनको कन्विंस करना है कि मैं यहाँ पे ही रहूँगा या रहूँगी, मुझे इसलिए जो है PNP दी जाए, ठीक है। उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जब आपका उन्होंने अप्रूव कर दिया, उसके बाद वो आपको अप्लाई करने के लिए बोलेंगे, PNP के पेपर वर्क वगैरह मांगेंगे, तो आपने वो सारे भेज देने हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद अपनी आपकी PNP आ जाएगी। PNP के आने के बाद आपके पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे, वो एक्सप्रेस एंट्री के टू प्रोफाइल में आपके ऐड हो जाएंगे। तो जैसे ही अगला कट ऑफ निकलेगा, आपको इन्विटेशन आ जाएगा फॉर योर PR, तो उसके बाद आपने PR अप्लाई कर देनी है और PR आपकी हो जाएगी। ये तो हो गया PNP एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम। अब नंबर दो पे बात करेंगे, जो प्रोग्राम ऐसा है जिसमें आप किसी भी मतलब कोई भी जॉब आप कर रहे हो तब भी आप इस प्रोग्राम में एलिजिबल हो हैं। जरूरी नहीं कि आपको नॉक बी या OA वाली जॉब चाहिए, अगर आप नॉक सी या डी में भी काम कर रहे हो तब भी आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे, जिसका नाम है क्रिटिकल वर्कर प्रोग्राम। तो क्रिटिकल वर्कर प्रोग्राम में आप एलिजिबल ही तब हो जब आप नॉक सी या डी में जॉब कर रहे हो, जिसमें किसी भी तरह की जॉब्स आ जाती हैं, जिसमें लेबर जॉब्स ही आ जाती हैं, जहाँ आप एज ए कैशियर, लेट से अगर आप किसी रेस्टोरेंट पे भी काम कर रहे हो बट आपको आपको पोजीशन नहीं मिली हुई वहाँ पे, मतलब आप सुपरवाइजर या मैनेजर नहीं हो, आप वैसे काम करते हो, आप एज ए कैशियर पे काम करते हो, काउंटर पे काम करते हो, या पीछे कुक किचन में जा फिर पीछे किचन में काम करते हो, तब भी आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हो। तो इसमें आपको आयल्स सेम CLB 4 चाहिए। इसमें दो रिक्वायरमेंट होती हैं। अगर तो आप PI में हो, आपको इसमें बहुत अच्छी बात है, एक्सप्रेस एंट्री में आपको पूरा 1 साल काम करना पड़ता है, बट इसमें आपको जो है सिर्फ 6 महीने काम करना पड़ता है। 6 महीने आपको सिर्फ एक एम्प्लॉयर के साथ काम करना है, एम्प्लॉयर चेंज नहीं कर सकते आप। जी हाँ, एम्प्लॉयर चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ एक एम्प्लॉयर के साथ आपको 6 महीने कॉन्टिन्यूसली काम करना है, और उसके बाद आपको अपना जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालना है, सब कुछ सेम है एक्सप्रेस एंट्री वाला। उसके बाद आपको जो है PNP वो पेपर वर्क मांगेंगे, PNP अप्लाई कर देनी है, PNP अप्रूव हो के आ जाएगी। क्या 6 महीने आपने काम किया, बट इसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है,
एक्सप्रेस एंट्री का थोड़ा क्विक प्रोसेस होता है, इसमें थोड़ा लंबा होता है, ठीक है। तो उसमें और भी बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो मेन जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पास या तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपकी रेलेवेंट एजुकेशन होनी चाहिए, तभी आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हो। ये मेन एक इम्पॉर्टेंट मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था इनका। तो उसके बाद CLB 4 चाहिए, वो तो आपको पता है, वो तो मेनली होता है सब में। तो ये था। अब लेट से आप सब में एलिजिबल हो गए, आपने जॉब भी 6 महीने कर ली है, उसके बाद इसमें जो होता है PNP में भी इस कैटेगरी के अंडर पॉइंट सिस्टम होता है। उसमें क्या होता है कि आपको एज के जो है पॉइंट मिलते हैं, फिर आपकी एजुकेशन के, फिर वर्क एक्सपीरियंस के, फिर आपकी असेसिबिलिटी चेक करते हैं, वो सारी अकाउंटेबिलिटी एंड असेसिबिलिटी, वो सब चीज़ों के मिला के 100 पॉइंट बनते हैं। बट वो आपकी मतलब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपके उस 100 में से कितने बनते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो लेट से अगर आपकी एज 18 से 24 साल के बीच में है तो आपको 7 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपकी 25 से 40 के बीच में है तो आपको 15 पॉइंट मिलेंगे। अगर उससे अबव है तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे होता है एजुकेशन में। अगर तो आपने PhD भी करी हुई है तब भी आपको सिर्फ 10 पॉइंट मिलेंगे, और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया हुआ है तब आपको 15 मिलेंगे। अगर नहीं सॉरी तब भी आपको दस ही मिलेंगे। बट अगर आपने हाई स्कूल डिप्लोमा किया है, हाई स्कूल यहाँ पे 12th को भी बोलते हैं, तो हाई स्कूल डिप्लोमा अगर किया हुआ है, यहाँ पे डिप्लोमा ही बोलते हैं उसको कैनेडा में, तब आपको 15 पॉइंट मिलेंगे। वर्क एक्सपीरियंस में अगर आपके पास 2 से 4 2 साल, अगर 0 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तब आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा इसमें। अगर आपके पास 6 ईयर और अबव है तब आपको 15 पॉइंट मिलेंगे, अगर 2 से 4 साल का है तो 5 पॉइंट मिलेंगे। तो ऐसे करके पॉइंट्स चेंज होते रहेंगे, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतने ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, अब आपके पॉइंट्स बन गए। उसके बाद क्या होता है कि आपको अपनी एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की प्रोफाइल क्रिएट करनी है, अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाल देना है। उसके बाद आपकी वो प्रोफाइल चेक करेंगे। चेक करने के बाद इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका जो एम्प्लॉयर है उसकी तरफ से भी पेपर वर्क चाहिए होता है। उस इसमें क्या है, क्रिटिकल वर्कर्स टीम में एक ही चीज में बंदा मार खाता है कि आपके साथ वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कि मतलब आपको 2 साल PI में ही रहना ही पड़ेगा, आपको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। अगर आप किसी मतलब क्रिटिकल वर्कर में कनाडा वाले लोग, तो वो लोग जाते हैं जिसमें मतलब जिन जिनके पास वर्क परमिट 1 साल का होता है। लेट से अगर उनके पास वर्क परमिट 1 साल का है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो क्या सोचते हैं कि किसी भी फील्ड में जॉब तो मिल ही जाएगी हमें वहां जाके। इसमें अच्छी बात ये है कि आपकी जॉब किसी भी फील्ड में, मतलब फील्ड इन द सेंस किसी भी कैटेगरी में आपकी जॉब हो, जरूरी नहीं कि वो नॉक बी में या ओ में या ए में ही चाहिए, वो आप CD में भी चल जाएगा, Tier 4-5 जिसको बोलते हैं आजकल, उसमें भी चल जाती है। इसलिए बंदा सोचता है कि मेरे पास सिर्फ 1 साल का वर्क परमिट है, वाई नॉट कि मैं वहां पे जाके इस स्ट्रीम के अंडर जो है PR लगा दूं। उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लेट से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट भी करते हो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, आपका उसी उसी दिन मतलब जब आप हायर होते हो एम्प्लॉयर के साथ उससे बात कर लो कि मैंने क्रिटिकल वर्कर स्ट्रीम के अंडर अपनी PNP लगानी है, तो क्या विल यू सपोर्ट मी, तो वो आपको बता देते हैं कि ओके मैं सपोर्ट करूंगा, 2 साल का मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मैं 2 साल आपको पता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला जा जाने वाली, ठीक है। तो वो चीज़ भी आपके लिए जॉब को थोड़ा सिक्योर कर देती है। बंदा बोलता है कि इसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ये जॉब छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो उसमें फिर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, और क्योंकि आपका इसमें लंबा टाइम लगता है, PNP आने में भी इसमें ज़्यादा लंबा टाइम लगता है और PR आने में भी लंबा टाइम लगता है, तो 2 साल आपके वैसे भी निकल ही जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आपको फिर क्या करना है कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपने डाल दिया, उसके बाद सेम प्रोसेस है कि बट
इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ई ओ आई का अपना ये ड्रॉ निकालते हैं, क्योंकि ये पॉइंट बेसिस पे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है। ई ओ आई मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये अपना एक ड्रॉ निकालते हैं, फिर उस ड्रॉ में आपका जब नाम आ जाता है तब ये आपको पीएनपी इनवाइट करने के, पीएनपी अप्लाई करने के लिए भेजते हैं, ठीक है। फिर आपको पीएनपी अप्लाई करनी, पेपर वर्क सारे भेजने हैं उनको, फिर उसके बाद आपको जो है आपकी पीएनपी आ जाएगी, फिर सर्टिफिकेट आ जाएगा, फिर आपको जो है सिंपल फिर सेम प्रोसेस है, आपको जो पीआर अप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये हो गया। एक तीसरा तरीका होता है इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम। अगर आपने वहाँ पे पीईआई में स्टडी करी है तो आप इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्ट्रीम के अंडर आप एलिजिबल होते हो, फिर आपको थोड़ा सा इजी हो जाता है वहाँ पे पीआर लेना, क्योंकि आपने वहीं पे स्टडी करी है। वो चाहते हैं कि अगर आपने यहाँ से स्टडी करी है आप यहाँ से जाओ नहीं, आपको हम पीआर दिलाएंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे, तो आप यहीं पे रहो। तो उस कैटेगरी के अंडर भी आप अप्लाई कर सकते हो। चलो उसमें बहुत सारे बहुत उसमें तो बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि जिन्होंने वहाँ पर स्टडी करी है सिर्फ वही इस बात के लिए एलिजिबल होते हैं। तो आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश करी है, और भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं बट जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताई क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। ये दो प्रोग्राम जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगे जो मैंने आपके साथ शेयर करे, जो मोस्टली सारे कनाडा में रहते हुए इसी प्रोग्राम्स के अंडर जाते हैं अगर पीआई में पीआर ले तो। तो विद दैट ऑल, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। तो गाइज थैंक यू, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। जब तक आप हमारी पिछली वीडियोज देखिए, बाय।